हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स और उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म। ओके, तो आज हम सिर्फ अल्केन देख रहे हैं। अल्केन व्हाट इज द जनरल फार्मूला? अल्केन CN H2N+2। ओके, मीथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन डेकेन अनडेकेन डोडेकेन वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मॉलिकुलर फॉर्मूला यूज करके अपने नंबर ऑफ कार्बन एटम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आते हैं। फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन मॉलिक्यूल। ओके, उस मीथेन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 1। इस फॉर्मूले में हम पहले पुट करते हैं C1H2 × 1+2 C2+2 C1H4 आगे CH4 मीथेन। सेकंड देखते हैं, फॉर एग्जांपल N = 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम को पुट करेंगे, हाइड्रोजन कितने आते हैं वो सब देखते हैं। C2H2 × N = कितना पुट करना है? 2+2 सो C2H4+2 C2H6 क्या हुआ, क्या बोलते हैं उसे? इथेन बोलते हैं। वैसे ही सब नाम लिख के मैं दे देता हूं आपको। एक सिंगल कार्बन है जिसे हम मीथ बोलेंगे और AB indicate that this compound containing single bond इथेन C2H6। ओके, प्रोपेन C3H8। यहाँ पे देखो सिंगल कार्बन फॉर हाइड्रोजन, इथेन में दो कार्बन हाइड्रोजन, एक कार्बन इंक्रीज किया तो दो हाइड्रोजन इंक्रीज हो गए C3H8। सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ब्यूटेन ब्यूटेन C4H8 पेंटेन C5H6 X is compound containing 6 carbon atom and this A indicate that the single bond which is present between 2 carbon atom means saturated hydrocarbon is here. C6H14 7 heptane C7H16 8 octane C8H18 octane 9 nonene C9H20 last देखो मीथेन CH4 इथेन C2H6 प्रोपेन C3H8 ब्यूटेन C4H10 पेंटेन C5H12 हेक्सेन C6H14 हेप्टेन C7H16 ऑक्टेन C8H18 नॉनिन C9H12। नेक्स्ट में लिखते हैं C15H32
36 का देखिए CaVPH 38 डेके अनडेके डोडेके ट्राइडेके टेट्राडेके पेंटाडेके हेक्साडेके हेप्टाडेके ऑक्टाडेके 90 से अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वाई नहीं आता है। ये क्वेश्चन लास्ट है।